चीज किस किस को समझ में आया चलिए बताओ ऐसा। ये तो हमारा ग्राउंड का जीआर है और ये जीआर देखो तो 400 आ रहा है। मुझे बताओ ये चीज किस किस को समझ में आई चलिए बताओ। कैपेसिटर पे शॉर्ट किलर मारना कोर्स के दौरान हेलो यस सर कहां मारेंगे कहां नहीं मारेंगे ये सब हम कोर्स में सीखेंगे। समझ में आ रहा है यस सर। अगर मैं प्रैक्टिकली एक चीज बताऊं कि कहां मारना है तो कैपेसिटर में शॉर्ट किलर केवल दो ही जगह पे मारा जाता है। अब देखो हमारे पास एक फोन है इसमें हम चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगाने पर हम देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है टेम्परेचर आ रहा है ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है इसके अंदर वायर WPC का पत्ता गायब है। WPC का पत्ता लगा देंगे तो ये फोन ओके हो जाएगा क्योंकि WPC का जो रजिस्टर है वो CPU को मिसिंग हो रहा है। हेलो CPU WPC का रजिस्टर को सेंस कर नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे हमारा WPC का पत्ता तो गुम गया या हमारा WPC का पत्ता खराब है हमारा वो थर्मिस्टर भी उड़ गया तो हम यहीं पे थर्मिस्टर लगा के इसको बाईपास करेंगे तो हम उसके लिए सर्किट को समझेंगे। तो हमारा जो थर्मिस्टर का जो लाइन है वो मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि नहीं समझाया था। हेलो मैं इसका डायग्राम खोलना चाहूंगा थोड़ा डायग्राम देखो फिर हम देखते हैं कि थर्मिस्टर लगाना किधर है और हम थर्मिस्टर वो नहीं लगाएंगे जो डायग्राम में है हम अपने हिसाब का थर्मिस्टर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा फोन ओके होता है कि नहीं होता है। नोटिस करो तो हम पहले आप रखना फिक्स ऑन कर रहे हैं इसका डायग्राम खोलने के लिए इस फोन का मॉडल हमें पता करना पड़ेगा ये S8 है तो हमें यहां पर S8 लिखना पड़ेगा और आगे लिखना पड़ेगा मॉडल नंबर तो ये है G900G9590 तो ये मॉडल नंबर है इसका 950 मॉडल नंबर है इसका तो अब हमें इसका 950 मॉडल नंबर खोलेंगे और पहले हम देखेंगे इस तरह की कंडीशन में अगर आपका ये WPC से नहीं होता है तो आपको हर एक थर्मिस्टर चेक करना पड़ेगा जो CPU के पास है तो मैं आपको हर थर्मिस्टर की लोकेशन दिखाता हूं। नोटिस करो तो हम यहां पर डायग्राम में जाएंगे Xiaomi Samsung ओपन करेंगे जी सीरीज में जाएंगे और 950 ढूंढेंगे यहां पर तो 950 देखिएगा 950F और ये हमारा Samsung S8 का डायग्राम है ठीक है। अब हमें सिर्फ एक कोडिंग याद रखनी है और वो आपको दिमाग में बैठनी चाहिए पहले सारे थर्मिस्टर एक ही लाइन में मिल जाएंगे ऐसा TH ढूंढने की जरूरत नहीं है और वो कोडिंग है बोलो AP_TH बस ये कोडिंग ऑलवेज याद रखो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखू जल्दी बताओ AP_TH लिख दे अब इसे क्या होगा हमें ढूंढना तो WPC का है पर हम AP का थर्मिस्टर ढूंढेंगे और उसके बगल में हमें WPC भी मिल जाएगा। हेलो क्योंकि ये सब ले देके जा CPU में रहे और हम CPU का रास्ता ढूंढ रहे हैं किसका रास्ता CPU का और उससे हमें सारे थर्मिस्टर भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जूम किया जूम करेंगे तो ये देखो AP मिल गया हमें। हेलो मतलब हम हमारा अगर हमें AP का थर्मिस्टर ही ढूंढना है तो हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा AP का थर्मिस्टर यहाँ लगा हुआ है और बोर्ड में इसकी लोकेशन देख लेंगे ये बोर्ड में इसकी लोकेशन इसके CPU के पास है और अगर हमारे पास ये नहीं भी होता तो भी हम CPU के पास और इसको चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हेलो हाँ जी पूरा कर सकते हैं तो हम ऐसे करके सारे थर्मिस्टर ढूंढेंगे बट अभी हम WPC पर जाएंगे ये हमारा WPC है हमारा वायरलेस पत्ता वाला ये हमारा जा रहा है ये हमारे एक एंटीना के साथ ये एंटीना हमारे इन बीच में कनेक्ट हो रहा है और अब हम कूल टेस्टिंग करेंगे तो हम अपना किस तरीके से देखें नोटिस करो और हम इसको निकालेंगे तो हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 44 आ रही है ना तो हम इस थर्मिस्टर को यूज कर लें क्या बोलो चलो देखो जीरो
के अंदर थर्मिस्टर निकालोगे तो कभी सेंस नहीं हटेगा, थर्मिस्टर रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अब ये थर्मिस्टर को हम अपने इस बोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करेंगे, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ सीपीयू को थर्मिस्टर दिया है उसका, हेलो, क्योंकि सीपीयू थर्मिस्टर को सेंस करना चाह रहा था और वो चाह रहा था कि भाई पत्ता हो और वो भी सही हो। तो अब हम इसको फिर से देखते हैं, अगर हमारा सब सही होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम थर्मिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। और अभी हमने एक गर्म थर्मिस्टर निकाल के रखा है तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और अब इसको चार्जर लगाएंगे और अब देखेंगे कि हमारा क्या हमें मिल रहा है। तो पहले हमें मिल रहा था कि चार्जिंग टेम्परेचर लोगो, अब हम देखेंगे ये हमें क्या दिखाई दे रहा है। समझ में आया ये चीज, किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ। मैं आगे आपको पूरा थर्मिस्टर का सर्किट सिखाऊंगा, हेलो, टेम्परेचर का सर्किट, बैटरी सेंस का सर्किट, जो भी कंपोनेंट आज हमने पढ़े हैं वो टेस्टिंग लेवल पे पढ़े हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम इसको सर्किट में डालेंगे, समझ रहे हो? और अगर हम इसको स्टेप टू स्टेप सीखते हैं तो ये हमें समझ में भी आएगा और हमें मजा भी आएगा। हेलो, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं लाइव लेना था वो लाइव ले लूं एक मिनट के लिए? यस सर। थर्मिस्टर का लाइव? यस सर। तो लाइव ही है तो मैं पूछना चाहूंगा थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ सकता है 5 मिनट के अंदर? हेलो सर, आज कंपोनेंट की क्लास किस किस को अच्छी लगी जल्दी बताओ। सबको सर। यूट्यूब से हाथ के दी, हेलो, यस सर, नया नॉलेज देखने को मिला? यस सर। इस नॉलेज में लगता है कि आप रिपेयरिंग का काम कर सकते हो? यस सर। और आज मैं सुबह 5 से ज्यादा वाली इमरजेंसी किस किस ने रिकॉल की जल्दी बताओ। चलो अभी हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ है, हमारा टारगेट है जितने भी कंपोनेंट मैंने टेस्टिंग किए हैं आपके सामने हैं, वो सारे कंपोनेंट आपको खुद टेक्टिक टेस्टिंग करने हैं। हेलो, यस सर। और शाम को एक बेहतर और बेस्ट रिजल्ट देना है इस टेलीकॉम को। यस सर। आपको देने वाला है पक्का? यस सर। कल का टारगेट भी बता देते हैं, कल सुबह का टारगेट है कि हमें सीपीयू रिवॉल्व करना यूनिवर्सल से स्टेंसिल से। हेलो, यस सर। कौन कौन रिवॉल्व करेगा जल्दी बताओ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।